अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे चाहने वाले चाह भी रहे खुश रहे पात रहे, अल्लाह ताला आपको इसी बना पूरी करें, आमीन। और आज का ब्लॉग का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा थंबनेल और टाइटल पर, परमानेंट हेयर रिमूव क्रीम्स, तो नो पेन तो नो वैक्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त की आज के जो ना व्लॉग है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। तो जो लोग जो सिस्टर हेयर से परेशान है, हेयर आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें कि आप लोगों को समझ आएगी। तो मैं इसीलिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आता हूँ कि आप लोगों को काम आ सके। तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है तमाम उन लोगों के लिए जो अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से परेशान है और बॉडी के गैर ज़रूरी बालों से परेशान है, तो उनके लिए ये जो है ना जो मैं आज क्रीम लेकर आया हूँ, तो ये घरेलू मतलब घर में ही जो है ना रेडी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट आप लोगों को रेडी करके भी जो है ना दिखाता हूँ। इस हेयर रिमूवल क्रीम को रेडी करने से पहले न्यू आने वाले को वेलकम है। न्यू आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने वाले घंटी को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल जो ना वीडियोज़ होती हैं मेरी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो क्रीम को रेडी करने से पहले मैं आप लोगों से बता दूँ कि कुछ लोग करते हैं वैक्स, जैसे ये वैक्स आजकल निकली हुई है, वैक्स पट्टियाँ आई हुई हैं और दूसरी वैक्स आई हुई है दानेदार, वो पिघला कर वो लगाएं खींचें, उसके बाद ये पट्टियाँ लगाएं बालों को खींचें, या फिर लेज़र करवाएं या थर्जरी करवाएं, बालों की तो जो है किस्म की मुसीबत पड़ी ही रहती है। तो इन बालों का बहुत हटीट किस्म के होते हैं, ये जाने का नाम नहीं लेते, अगर उतारें भी तो फिर आ जाते हैं, इतना महंगा लेज़र करवाएँ तो फिर आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज एक ऐसी क्रीम लेकर आया हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना काम आएगी। तो काम की वीडियो है, तो इसमें वैक्स करनी है या नहीं ये भी आप लोगों को जो है ना मैं बताऊँगा। तो इसके बाद ये क्रीम को कैसे रेडी करना है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें बेकिंग सोडा, तो उसके लिए चाहिए हमें कोलगेट, कोलगेट हमने लेनी है हर्बल, एक कोलगेट होती है ये सिंपल, ये नहीं लेनी हमने लेनी है कोलगेट हर्बल। उसके बाद हमने लेना है जी लेमन, लेमन के बाद हमने लेना है जी बेसन। तो ये चार चीज़ों के साथ बनेगी क्रीम। इस क्रीम को रेडी करके अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद कितनी देर छोड़ना है, इसके बाद वैक्स करनी है या नहीं करनी ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा पूरी डिटेल्स, हेयर को रिमूव करके भी बताऊँगा, प्रूफ दूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहेंगे तो आपको वीडियो समझ आएगी, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को रेडी करके ना क्रीम तो फिर जो है ना मिलता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बोल, बोल के साथ हमने एक स्पून, क्योंकि स्पून के बाद हमें चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं ले रहा हूँ एक खाने का स्पून जो होता है उसके करीब, ये मैंने लिया है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में हम ऐड करेंगे एक स्पून बेसन, एक स्पून, दोनों की क्वांटिटी एक जैसी रखनी है। तो एक दोनों को अच्छी तरह से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा और जो बेसन है इन दोनों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ले लेनी है हाफ कोलगेट हर्बल। तो मेरे पास ये 20 वाली है, तो मैं इसमें से हाफ जो है ना वो जो है ना ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपने लेना है लेमन, लेमन मैं एक इसमें ऐड कर रहा हूँ, एक लेमन के जूस में अगर ये ऐड हो जाए रेडी हो जाए तो आपने एक ही यूज़ करना है, अगर एक में नहीं ऐड हो रही तो आप फिर और लेमन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एक लेमन से ये मेरी ऐड हो जाएगी, मेरा मतलब था एक लेमन के साथ ही मेरा जो है ना ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो इसे अच्छे से हम मिक्स जो है ना करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करके तो फिर मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ अपने बाजों पर, तो प्रूफ आपको दूंगा, वीडियो में स्टे कीजिएगा। ये अच्छे से जो ना रेडी हो चुकी है क्रीम, तो अब मैं इसे बताऊँगा आपको लगानी कैसे है। पहले मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि जो लोग इसे ट्राई करेंगे तो बाद में कहेंगे कि भाई हमने लगाई थी आधा घंटा भी रखा तो बाल एक भी नहीं उतरा, ये तो फेक है। तो उन लोगों के हेयर ज़्यादा मोटे होते हैं, तो मोटे हेयर के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने सबसे पहले लेनी है वैक्स, वैक्स आप कोई भी कर सकते हैं वैक्स पट्टी। तो आपने वैक्स पट्टी को इस तरह से आपके पास है तो इस तरह से आपने ओपन कर लेना, तो ये आराम से ओपन हो जाती है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये देखें ओपन हो चुकी है।
तो इसे आपने लगाना है सबसे पहले। सबसे पहले लगाना है तो ये उन सिस्टर के लिए है जिनके बाजू पे बाल काफ़ी मोटे हैं, तो मेरे बाजू पे बाल बिल्कुल ब्रीक है, तो आपको कैमरे में नज़र नहीं आएंगे, वैसे क्रीम के साथ भी उतर जाएंगे ये जो मैंने क्रीम बनाई है। तो मैं वैसे आप लोगों को एक डेमो दे रहा हूँ, तो अगर आप इस तरह की वैक्स करते हैं, कोई भी वैक्स करते हैं, तो वैक्स के बाद आप कोई टोनर वगैरह ना लगाएं, अगर ये क्रीम आप लगाएंगे तो आपके आपके हेयर परमानेंटली रिमूव होंगे, दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे भी तो 25 दिन के बाद आएंगे, बिल्कुल भी बिल्कुल हल्का बिल्कुल बिल्कुल नाजुक से होंगे, एक दो दफ़ा और इस्तेमाल में बिल्कुल परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले ये वैक्स पट्टी मैं लगा रहा हूँ, मेरे हेयर हैं लेकिन बिल्कुल ही ब्रीक से हैं, बिल्कुल पतले पतले से हैं, तो इसलिए कैमरे में शायद आपको नज़र ना आए। पहले जिनके हेयर मोटे हैं वो ये ऐसा करें कि इस तरह की पट्टी ले लें, वैक्स पट्टी, तो इसके साथ आपने सबसे पहले जो है ना वैक्स करनी है इसके साथ। तो ये देखें, अब मैं आप खींचूँगा तो नहीं, मैं क्यों, मैं दोनों डेमो दूंगा, एक नहीं दूंगा कि जिनके हेयर पतले हैं वो सिंपल इसे यूज़ करें। तो एक साइड पे मैंने पट्टी लगाई है, मैं उतारूंगा नहीं क्योंकि बहुत पेन होती है, वो मैं अभी उतारूंगा आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैं एक ब्रश की मदद से एक बाजू पर ये क्रीम लगाऊंगा, फिर आप लोगों को प्रूफ जो ना दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट मैं क्रीम लगा के आता हूँ। तो ब्रश की मदद से मैंने एक तरफ से एक क्रीम लगा दी है, तो ये बिना दर्द में ट्रीटमेंट है, बिना वैक्स के और बिना दर्द के ट्रीटमेंट है। तो ये दूसरी साइड पर जो ना दर्द वाला ट्रीटमेंट है, तो इस ट्रीटमेंट में आप फौरी बेर को उतार सकते हैं, और इसमें आपको आधा घंटा लगेगा, जिनके बाल ब्रीक हैं वो इस तरह सिंपल लगा कर भी आधा घंटा छोड़ना, उसके बाद आपने किसी भी कपड़े के साथ कॉटन के साथ आपने साफ़ करना है, इस तरह साफ़ करना है कि जिस तरह साइड से बाल हैं उस साइड से ऊपर से तरह ऐसे साफ़ करना, तो दूसरी साइड से खींच छोड़ दो उतार में। ये आ गई है जी, इसका टाइम गुजरेगा आधा घंटा, इसे भी साफ़ करेंगे। तो इसे उतारने से पहले आपने अच्छे तरीके से थपथपा लेना, ये बाल अच्छे से आपके चिपक जाए, तो फिर जो है ना उसे उतारेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मुझे तो बहुत जो है ना अभी डर रख दूँ उतारते हुए, तो अब उतारती हैं बाल जिस मतलब सर्कुलर के मतलब जिस तरफ है उस दूसरी साइड की तरफ इसे खींचना है, मेरे इस तरफ से है तो मैं इसे इस तरह से खींचूँगा, तो इस तरह से खींचते हैं। ओह माय गॉड, मेरे यहाँ लाइक हाँ पतला हेयर है लेकिन फिर भी दर्द तो होता है, तो आपको बिना दर्द के चाहिए तो आप ये ट्रीटमेंट जरूर कीजिएगा। तो जितनी होनी थी हो गई, तो अल्लाह की कसम ये देखें उतरे हैं, लेकिन आपको कैमरे में शायद नज़र ना आए, तो बहुत ही पेनफुल है ये मतलब वैक्स, तो पेन तो होती है लेकिन उसके बाद आपको ब्यूटीफुल स्किन भी मिलती है। तो जब आपने वैक्स किया है, मैंने जैसे यहाँ पर किया वैक्स, उसके बाद आपने जो क्रीम बनाई है ये वाली, ये क्रीम आपने लेनी है तो उस एरिया पर जाओ आपने जो ना लगा देनी है, बाल बहुत जल्द ना आए, बाल आए भी तो बहुत कम आए, ज़्यादा ना आए, एक दो दफ़ा के इस्तेमाल में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उस पर आपने जो लेमन था उस जिसे जूस निकाला था वो थोड़ा सा आपने रेफ करना है 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि जिस जगह से बाल निकले हैं उस जगह से जो है ना ये अंदर जज्ब हो और बालों की ग्रोथ को ख़त्म करे, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसे भी मैं साफ़ करता हूँ, तो इसे भी साफ़ करता हूँ, तो फिर आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ। ये एरिया जो था जो जिस पे हमने वैक्स करके वो लगाया थी क्रीम लगाई थी, इसे अभी हम छोड़ देंगे, इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट से ये आधा घंटा गुजर चुका है, तो इसे हम साफ़ करेंगे जिस मोशन पर बाल हैं, तो इसे मैं ये टिशू की मदद से साफ़ कर रहा हूँ। बहुत ही आपने जो है ना एक कॉटन का कपड़ा लेना, उसके साथ आपने ज़ोर के साथ इसे साफ़ करना है, ये इजीली साफ़ नहीं होगा, तो इसे बहुत ज़ोर के साथ साफ़ जो है ना करना पड़ेगा। तो बहुत ही जो है ना ये अब देखें, अगर आपको लग रहा है आपका साफ़ नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा इस पर लेमन रफ कर सकती हैं, तो इस पर देखें ये बाल उतर रहे हैं, कैमरे में नज़र नहीं आएंगे, अल्लाह की कसम खा रहा झूठ नहीं बोल रहा, तो प्राइवेट जो पार्ट है उस पर आप ये जो है ना क्रीम लगा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैक्स नहीं कर सकते। दूसरे जो हिस्से हैं टांगे हैं बाजू हैं वहाँ पर वैक्स करके ऊपर लगाएंगे तो परमानेंट
बता रहा था कि वैक्स करके आप लोग लगाएंगे तो ज़्यादा मोटे बाल हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट भी लेंगे। तो वैसे पतले बाल हैं तो आप सिंपल भी लगा सकती हैं। तो मुझे तो पेन हो गई, तो गर्मी लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो अब मैं ऐसा करूँगा कि मेरे बाजू को भी लग चुकी है यहाँ पर, तो मैं ऐसे अच्छे से मतलब धो कर ना, तो फिर आप लोगों को इसका रिज़ल्ट भी देखा, तो इसके साथ आपकी स्किन भी काफ़ी वाइट होगी और ग्लो करेगी। तो मैं ऐसे वॉश आउट करके तो आता हूँ। वॉश आउट तो मैंने कर दी है, लेकिन ये देखें ये स्किन कितनी देखें साफ़ हुई है, जहाँ पर इससे पर लगा था ना, इस एरिया पे स्किन भी आपकी वाइट होगी, ग्लो करेगी और हेयर भी जाएंगे। तो ये देखें इस पर नहीं था लगाया, ये वैसे ही है डाल है। तो ये देखें काफ़ी देखो ना साफ़ हो चुकी है। तो अगर आप इस तरह के हेयर रिमूवर पैकेट्स ले रहे हैं इस तरह के, तो ये भी अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ दोबारा बाल आ जाती हैं, तो इससे अच्छा है तो आप मेरी क्रीम को, अच्छा आप मेरी क्रीम को रेडी करें, तो इन हेयर मोर क्रीमों के चक्कर में या फिर वैक्स के चक्कर में ना पड़े। तो बहुत ही पेनफुल है ये वैक्स आप लोगों के सामने की, तो मेरी क्रीम जो है वो बेस्ट है। अगर बाल नहीं जा रहे तो आप वैक्स के बाद क्रीम को लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बालों की ग्रोथ ख़त्म होगी। नहीं क्रीम को इस्तेमाल करेंगे, बार बार वैक्स करेंगे या फिर ये क्रीमें लगाएंगे तो बाल बार बार आते हैं, इसलिए कोई ऐसी चीज़ लगानी चाहिए वैक्स के बाद भी कि बाल दोबारा वापस ना आए। आए भी तो बिल्कुल हल्का स्टाफ हो, एक बार में भी एक बार दोबारा करें तो फिर वो ख़त्म हो जाए। तो आप लोग सामने है ये देखें अभी भी। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ साथ ही देखते हैं।